वेलकम बैक एवरीवन। एंड इन दिस क्लास हमने ये देखना है कि अपने ESP32 को हम ओवर द वाईफाई किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, कोई भी मैसेज हम भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। नाउ फॉर दैट पर्पज़ हमने एक आउटपुट डिवाइस तो कनेक्ट की हुई है अपनी क्लास 3 में से। और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं और आप बिगिनर हैं ESP सीखना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड कि पिछली क्लासेस को देख लीजिए। अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ यही टास्क करना चाहते हैं कि किस तरीके से ESP को ओवर द वाईफाई कनेक्ट किया जाता है तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। और ऑब्वियसली मैं मैसेज भेजूंगा भी और रिसीव भी करूंगा। तो इस क्लास के अंदर हम यूज़ करेंगे एक IR सेंसर जो आपने स्क्रीन में देख सकते हैं, RGB लाइट जो हमने पहले से लगाई हुई है, ESP32 एंड ब्रेडबोर्ड ATC और कुछ जंपर वायर्स भी रिक्वायर्ड होंगे। तो अब शुरू करते हैं और ये कोड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इन डिटेल्स पूरा मिल जाएगा। नाउ टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले तो ये कि Adafruit.io का हम एक सर्वर है जो इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और फिर इस कोड को समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से अपना क्रोम खोल लेता हूँ, ये पिछली क्लास के टास्क खुले हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। मैं लिखूँगा Adafruit.io, जब मैं ये टाइप करूँगा जस्ट आपने गूगल करना है io.adafruit.com। जब मैं इस वेबसाइट को खोलूँगा तो यहाँ मेरे पास ये इस तरीके से इंटरफेस आएगा, मे भी फ्यूचर में चेंज करते रहें, ये पहले भी चेंज होता था। तो मैं यहाँ से गेट स्टार्टेड फॉर फ्री कर दूँगा और अब ये यहाँ से कह रहा है कि अपना अकाउंट क्रिएट करें। तो मैं यहाँ पे अकाउंट का नाम मैं रख देता हूँ इस तरीके से, मैंने अकाउंट डिटेल्स डाल दी हैं और मैं क्रिएट अकाउंट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने अकाउंट क्रिएट किया है और अब आपके पास इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी। अभी हमें अपने कैमरे की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अपनी स्क्रीन को भी नीचे कर लेता हूँ थोड़ा। अभी हम सिर्फ इस Adafruit के इंटरफेस को समझ रहे हैं। नाउ यहाँ से आने के बाद मैं क्लिक करूँगा टॉप पे यहाँ मौजूद बटन IO पे। जब मैं IO पे क्लिक करूँगा io.adafruit.com, जब मैं इस वेबसाइट पर आऊँगा ये स्क्रीन आपके पास आना ज़रूरी है। थोड़ा सा ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है अगर आप इसको गौर से ना देखें, और अगर एक दफ़ा मेरी 4-5 मिनट की वीडियो गौर से देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ यहाँ मेरे पास ऊपर कुछ ऑप्शन है, डिवाइसेस, फीड्स, डैशबोर्ड, एक्शन, पावर अप। तो जो मेन चीज़ हमने दो यूज़ करनी है वो है हमारी फीड्स एंड हमारा डैशबोर्ड। फीड्स क्या होती हैं? फीड वो हमारे मेन वेरिएबल्स हैं, डिवाइसेस को छोड़ देंगे हम फीड में, ये हमारे वो मेन वेरिएबल्स हैं जिनमें अपना डेटा हम भेजेंगे या रिसीव करेंगे। तो दो फीड्स मैं आपके सामने यहाँ क्रिएट करूँगा। मैं क्लिक करता हूँ न्यू फीड और मैं कर देता हूँ इसका नाम feed1। ओके, feed1 क्रिएटिव, ये मैं लिख दिया नाम इसका क्रिएट। एंड देन मैं क्लिक करूँगा न्यू फीड, feed2 क्रिएटिव, ये मैंने इसके दो के नाम रख दिए, मैंने feed1 क्रिएटिव, feed2 क्रिएटिव। देन मैं आता हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड्स के अंदर। डैशबोर्ड्स में आने के बाद अपना वो आप डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, अपना वो बोर्ड क्रिएट करेंगे जहाँ से आप कंप्यूटर के थ्रू इन वेरिएबल्स की रीडिंग्स को देखेंगे। फीड्स में आना है, फीड्स क्रिएट करनी है, देन डैशबोर्ड्स के अंदर आना है। तो न्यू डैशबोर्ड पर क्लिक कर देंगे हम और यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ मैं अपना माई विंडो, मैंने ऐसे कुछ भी नाम रख दिया माई विंडो, लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट। और जब मैं इसको खोलूँगा तो हमारे पास इस तरीके से एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। ये हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पर हम सारा काम करेंगे अपना। अब जो भी डेटा मैं अपने ESP से भेजूंगा वो feed1 feed2 में आ जाएगा, जिसको मैंने यहाँ व्यू करना है। व्यू करने के लिए टॉप राइट पर आपके पास सेटिंग का बटन है, सेटिंग में आएंगे, क्रिएट न्यू ब्लॉक करेंगे और यहाँ से हमारे पास डिफरेंट तरह के बड़े मज़ेदार ब्लॉक्स आ जाएंगे। सो लेट्स से मैं ले लेता हूँ स्ट्रीम, मेरा पसंदीदा ये है स्ट्रीम, और यहाँ से मैं ले लूँगा feed2 क्रिएटिव। मैं feed2 किसी वजह से ले रहा हूँ क्योंकि feed2 पर मैं डेटा भेजूंगा और feed1 पर डेटा मैं रीड करूंगा। तो मैं feed2 क्रिएटिव ले लेता हूं। नेक्स्ट इस तरीके से आ रहा है कुछ हमारे पास स्ट्रीम की सेटिंग्स, और यहां से मैं ले लेता हूं लेट्स से कलर स्कीम ग्रीन सही है। इसको मैं शो ग्रुप नेम को नो कर देता हूं, शो टाइम स्टैम्प, शो फीड नेम यस, शो लोकेशन नो, शो एरर्स यस, और ब्लॉग टाइटल मैं कह देता हूँ माई डेटा फ्रॉम ESP। तो जो भी ESP से मैं डेटा भेजूंगा वो मैं इस स्ट्रीम के अंदर जब मैं क्रिएट कर लूँगा तो यहाँ मेरे पास शो होगा इस डैशबोर्ड पे। नाउ सेकंड ब्लॉक मैं क्रिएट करता हूँ, अगेन क्रिएट न्यू ब्लॉक, इसको मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट, इसको मैं कह देता हूँ feed1 क्रिएटिव, और यहाँ मैं कह देता हूँ डेटा आई, जो डेटा मैं सेंड कर रहा हूँ ESP को और उसकी वैल्यूज़ वगैरह जो बाय डिफ़ॉल्ट है हम छोड़ देते हैं, और ये मेरे पास आ गया सेकंड ब्लॉक। अच्छा, अब इनको एडजस्ट किस तरीके से करना है, टॉप राइट पे सेटिंग में आएंगे, एडिट लेआउट, तो आई गेस यहाँ पे मेरे पास मूव का बटन आएगा, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक मूव कर लिया और इसको भी मैं इस साइज पे बड़ा कर लेता हूँ या इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ सेव लेआउट। नाउ अब आपके पास ये थोड़ा सा मैंने इसको जूम भी कर लिया है। अब हमारे पास ये डैशबोर्ड
रेडी है, इसको हमने ESP से कनेक्ट करना है। किस तरीके से करेंगे, यहाँ मेरे पास छोटा सा येलो कलर का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और ये मेरी API की है। ये API की आपने अपनी हिडन रखनी है अपने प्रोजेक्ट के लिए, वरना आपके प्रोजेक्ट को कोई हैक कर सकता है। वो जो हम हैकिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं वो नॉर्मली इन्हीं चीज़ों से रिलेट करता है कि अगर ये API की कोई आपकी क्रैक कर लेगा तो डैट मीन्स कि वो आपके डैशबोर्ड पे अपना डेटा भेज सकता है और आपका डेटा वो रीड कर सकता है। मैंने सैंपल अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं इसको API की चेंज भी कर दूंगा फ्यूचर में, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं जो मेरी API की है और मैं अपने Arduino के अंदर आऊंगा और यहां से अपने कोड को स्टार्ट करेंगे। तो इसी कोड के अंदर जब आप इस कोड को ओपन करेंगे तो आप एक डिफरेंट देखेंगे कि यहाँ पे टॉप पे दो कोड आ रहे होंगे इस तरीके से। जो दूसरा कोड आपके पास शो हो रहा है, यहाँ आपने अपनी जो API की थी उसको पेस्ट करना है। तो कंट्रोल V से मैं IO की के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। नाउ सिमिलरली मुझे अपना यूज़र नेम भी चाहिए, तो यूज़र नेम भी मैं ऐसे कॉपी करूँगा कंट्रोल C से और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा यूज़र नेम, और ये हमने पेस्ट कर दिया। कंट्रोल S से इसको सेव कर देंगे और अब मैं अपनी वापसी मेन कोड पर आ गया। अब मुझे दोनों फीड्स को डिक्लेयर करना है, तो योर फीड नेम जो मैंने अपना फीड नेम है वो यहाँ रखना है। तो फीड नेम क्या था हमारा, फीड्स में आते हैं, जो फीड वन है हमारी उसको मैं यहाँ पे फीड वन में रख दूंगा, जो फीड वन है, और जो फीड टू है मेरी उसको मैं यहाँ फीड टू में रख दूंगा। यू कैन नेम योर ओन फीड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप ये नाम रखें, याद रहे होपफुली आपको इतना आइडिया होगा। और माय विंडो के अंदर मैं अगेन आ गया हूँ, ये मैंने फीड्स को डिक्लेयर कर दिया है। और अब मैं आता हूँ आगे और मैं दिखाता हूँ आपको कोड में क्या किया हुआ है हमने। कोड को एक्सप्लेन करना मैं आपको शुरू करता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ आऊँगा तो मैं रुक जाऊँगा। उसकी वजह क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है io.connect, और जबकि यहाँ तो हम कोई लाइब्रेरी यूज़ ही नहीं कर रहे, तो जब कोई लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहे तो ये io.connect की जो कमांड है वो Arduino कैसे पता रहेगा मैंने इसमें क्या करना है, यानी जो मेरी IO है उससे ये कनेक्ट हो जाए सेटअप के अंदर। बाकी तमाम चीज़ें तो कॉमन है, और इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ, लाइब्रेरी के ऊपर लास्ट में आता हूँ। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि फीड वन जो हमने रखी थी, फीड वन से जब मैसेज आए तो आपने हैंडल मैसेज करना है। हैंडल मैसेज में क्या करना है वो हम आप बाद में देखेंगे। उसके बाद जब तक कनेक्टेड ना हो तब तक डॉट 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 आता रहे, और जब कनेक्ट हो जाए तो उसका स्टेटस आ जाए और जो मैसेज आ रहा है उसको फीड वन में पकड़ लो। उसके बाद लूप के अंदर से एक ही बात है, io.run, अगर ये नहीं लिखेंगे तो हमारा IO रन नहीं करेगा। IO जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारी IO रन करती रहेगी, हमारा जो जो Adafruit की वेबसाइट से मैसेज आता जाता रहेगा। और जो हमने यहाँ पे ये मैसेज वन को चेंज करते हैं, जो भी मैसेज हम यहाँ से भेजना चाहते हैं वो हम क्या करेंगे, फीड टू में भेजेंगे। तो फीड टू के अंदर हमने मैसेज भेजना है, फीड टू के अंदर हमने मैसेज को भेजना है, फीड टू में अपना हम मैसेज भेज देंगे। मैसेज क्या होगा, मैसेज मैं अभी यहाँ कर देता हूँ, मैसेज इक्वल्स टू कुछ भी रख देता हूँ मैं, जैसे लेट से हेलो। तो जो मेरा हेलो है ये हम अपना यहाँ से ESP को जो है ना ESP से मैसेज भेजेंगे ओवर द Wi-Fi टू द Adafruit। देन हमारा लास्ट, हमारा जो मैंने कहा था हैंडल में हम आगे देखेंगे हैंडल मैसेज, वो नीचे आ गया कि जब मैसेज आए तो उसको क्या करना है। एक पी मैसेज के नाम से मैंने स्ट्रिंग बनाया हुआ है, ये मैंने कोड किसी और प्रोजेक्ट का कॉपी किया है, उसके कोड को मॉडिफाई करके आपको समझाने के लिए ओपन किया है। तो पी मैसेज के नाम से जो भी मैसेज वहाँ से आए वो यहाँ स्टोर हो जाए, और जो रिसीव्ड हो वो यहाँ पे इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाए मेरे। तो जो मैसेज मैं वहाँ से भेजूँगा Wi-Fi से वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, और जो मैसेज मैं यहाँ से प्रिंट करूँगा वो मेरा Adafruit के ऊपर चला जाएगा। अब दो बातें हैं, एक तो Wi-Fi कनेक्ट करना है, SSID पासवर्ड वो हमारे पास कहाँ है ये रहा। तो मैं अपना यहाँ से क्रिएटिवो और क्रिएटिवो 123 जो पिछली क्लास में मैंने आपको दिखाया था, तो Wi-Fi तो हमने यहाँ से क्या कहते हैं कनेक्ट कर लिया, और ये एक लाइब्रेरी है Adafruit io.wi-fi। अब ये वाली लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल करनी है, तो एक और चीज़ देखेंगे हम क्विक सी के लाइब्रेरी हम किस तरीके से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं अपने Arduino के अंदर। तो स्केच में आएंगे, इंक्लूड लाइब्रेरी में आएंगे, और यहाँ से हम करेंगे मैनेज लाइब्रेरीज। मैनेज लाइब्रेरीज में आने के बाद यहाँ मैं लाइब्रेरी का नाम लिखूंगा और वो लाइब्रेरी में अपनी इंक्लूड कर दूंगा। यहाँ से हमने ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है Adafruit io Arduino, इस लाइब्रेरी को मैं यहाँ से इंस्टॉल ऑल कर दूंगा। तो अब ये लाइब्रेरी मेरे पास इंस्टॉल हो रही है, इसके यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अब ये लाइब्रेरी मेरे पास इंस्टॉल हो गई है। तो क्योंकि अब लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है तो लेट्स सी के कोड अपलोड होता है या नहीं, बोर्ड मेरा कनेक्टेड है, और अपनी स्क्रीन को भी मैं ऑन कर देता हूँ, या आप देख सकते हैं स्क्रीन आपके सामने आ रही है। कंट्रोल यू कर देता हूँ मैं और वेट करता हूँ कोड के अपलोड होने का, थोड़ा टाइम लगेगा इस कोड को अपलोड होने में। कोड के हम अपलोड होने का वेट करते हैं और तकरीबन 2 से 3 मिनट लग गए इस कोड के कंपाइल होने में, और अब ये कोड कंपाइल हो चुका है और अपलोड हो गया। लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। तो पहली चीज़ तो हमें सीरियल मॉनिटर खोलना है और देखना है कि क्या हमारा जो बॉड रेट है वो सेट है, और
और इसको हम रीबूट कर लेते हैं आर्डिनो एक दफ़ा। और क्या ये कनेक्टिंग टू एडाफ्रूट सक्सेसफुल होता है? यस, तो एडाफ्रूट से तो ये कनेक्ट हो गया, डेट मीन्स हमारी बाकी तमाम चीज़ें सही थी। अब एडाफ्रूट पे आते हैं और यस इट्स वर्किंग फाइन। आप देखें कि जो हेलो का मैसेज था वो ये आने लगा और इस वक्त आप टाइम देख सकते हैं नीचे 1:31 पे बता रहा है कि हेलो 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 बार बार मैसेज आया जा रहा है। याद रहे मैंने थोड़ा डिले डाला हुआ है और शायद मैंने कम डाल दिया है क्योंकि ये आपको लिमिट लगा देता है, अगर बार बार आप मैसेज भेजें ये आ गई लिमिट आ गई। ठीक है, तो मैं इसके लिए अपने ESP को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने अपना ESP डिस्कनेक्ट कर दिया ताकि बार बार मैसेज ना आ, और ये एरर भी आ गया थ्रॉटल रीच। इसकी वजह क्या है कि मैंने मैसेज बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली भेजा जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपके इसके फ्री वर्जन में डिले रखना होता है। तो मैं आ जाता हूँ अपने ESP के अंदर। मैंने क्या डिले रखा था यहाँ पर, मैंने 1 सेकंड का डिले रखा था, एक कम है, कम से कम मुझे इसमें 3 सेकंड का डिले रखना चाहिए जो बार बार मैसेज में भेज रहा हूँ हेलो हेलो। तो ये जो मैंने हेलो लिखा था ये मैसेज यहाँ से जा रहा है, अब मुझे वहाँ से मैसेज को रीड करना है। वो किस तरीके से करेंगे, लिमिट को पहले मैं इस कोड को अपलोड कर देता हूँ दोबारा। तो मेक श्योर कि आपने थोड़ा सा डिले रखना अपनी रीडिंग्स के बीच में, वरना ये कॉमन है कि यहाँ पे इस तरीके से आपकी लिमिट लग जाती है मैसेजेस की। ओके, तो ये अभी भी अगेन मैसेज आ रहे थे तो इसने लिमिट लगाई हुई है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को हम, होपफुली अब क्लियर हो गया। यस, अब 133 पे हेलो आया, फिर 133 पे अगेन हेलो आया। अब 3 सेकंड के डिले के साथ मेरा मैसेज यहाँ आप पे रिसीव हो रहा है जो मैं हेलो भेज रहा था। अब मैं सेंसर की रीडिंग भी भेजूँगा, देन मैं यहाँ से कोई मैसेज ही भेजता हूँ। मैं यहाँ से लिखता हूँ मैसेज आ रहा है, मैंने रोमन में लिख दिया, एंटर करता हूँ। मैं एंटर कर दिया, ये मैसेज मेरे पास यहाँ शेयर मॉनिटर पर देखो आपके पास आ गया, मैसेज आ रहा है। तो मेरा एडाफ्रूट मैसेज भेज भी रहा है, रिसीव भी कर रहा है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ट्यूटोरियल जहाँ आप इंटरनेट के थ्रू मैसेज को अपने डेटा को सेंड कर सकें, रिसीव कर सकें इन द फॉर्म ऑफ इवन स्ट्रिंग्स, तो ये आपके लिए एक बेसिक ट्यूटोरियल था। अब आपको आइडिया हो गया होगा, थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं। और अब मैं इसी ट्यूटोरियल के अंदर आपके सामने ही इसी क्लास के अंदर कनेक्ट करता हूँ अपना IR सेंसर और इसका मैसेज मैं यहाँ भेजूँगा, जिसका मैं रेड और ग्रीन इंडिकेटर के तौर पे मैसेज को रिसीव करूँगा एंड देन फर्दर उस मैसेज का रिप्लाई बैक भी करेंगे और इस LED को भी ऑन ऑफ करेंगे जो आपके सामने स्क्रीन के अंदर लगी हुई है। तो अब ये काम करते हैं। नाउ मैंने अपने IR सेंसर के साथ 3 वायर्स कनेक्ट की हैं, जो इसका VCC है वो मैं अपने 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर देता हूँ। लेट्स सी वेयर इज़ माय 5 वोल्ट। अच्छा, तीनों वायर्स को मैंने कनेक्ट कर दिया है, इसके VCC को अपने ESP के 5 वोल्ट से, ग्राउंड को मैंने ESP के ग्राउंड से, और जो इसका आउट था वो मैंने ESP की पिन नंबर ESP के पिन नंबर 16 से कनेक्ट कर दिया है। तो अपनी स्क्रीन को अगेन से मैं सेट कर देता हूँ जहाँ थी अपनी जगह पे, और आर्डिनो के अंदर आ जाएंगे अब हम। यहाँ आर्डिनो के अंदर अब मैं क्या करूँगा कि फीड हमारी वही 2 रहेंगी, मैसेज रिसीव करने की, सेंड करने की। पिन मोड जो मेरी 2 पिन हैं, 17 आउटपुट जिसमें मेरी LED कनेक्टेड है, और पिन मोड 16 एस इनपुट जिसमें मेरा IR सेंसर कनेक्टेड है। देन मैं यहाँ पे देन लूप के अंदर मैं ये करूँगा कि एक इंटीजर बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम के IR, जो हमारी IR की रीडिंग थी इसको मैं कर दूंगा डिजिटल रीड 16। जो भी मैं अपने IR सेंसर की रीडिंग आ रही है उसको मेरा IR रिसीव करेगा और वो भेज देगा सीधा हमारे फीड के ऊपर, और वो भेज देगा हमारे फीड के ऊपर। तो पहले मैसेज भेज रहा था, अब मैं यहाँ पे फीड पे IR को भेज दूंगा। देन फर्दर क्या करेंगे, 3-3 सेकंड बाद ये मैसेज जाता रहेगा, जो मैसेज हमारा रिसीव हो रहा है वहाँ से उसे मैं राइट कर दूंगा पिन नंबर 16 पे। तो मैं जो मैसेज है उसको मैं 2 स्ट्रिंग नहीं 2 पिन लेवल, मैंने कोड को रीसेव किया है। आपको ये दोनों कोड, जो पिछला कोड मैंने आसान वाला यूज़ किया वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये जो मैं अब सेंड और रिसीव कर रहा हूँ ये कोड भी आपको अलग से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 2 पिन लेवल, तो 2 पिन लेवल करने से क्या होगा, जो भी मैसेज मेरा रिसीव हो रहा है उसको ये पिन के ऊपर राइट करेगा हाई या लो की फॉर्म में। ना जो मैसेज अब मेरा रिसीव हो रहा है उसको मैं ये मिटा दूंगा, उसको मैं डायरेक्टली कंपेयर करा के, और अपना ये भी मिटा दूंगा मैं यहाँ से, और उसको मैं डायरेक्टली कंपेयर करा के पिन नंबर जो मेरी LED की है 17 उस पर राइट करवा दूंगा। डैट मीन्स कि जो मेरा मैसेज रिसीव हो रहा है वो मेरी LED की पिन को हाई या लो करेगा। तो वो किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हम सिंपली ये लाइन लिख देंगे, यानी कि हमारी पिन नंबर 17 पे जो भी मैसेज आ रहा है इसको मैं हटा दूंगा, जो भी मैसेज आ रहा हो पिन नंबर 17 पे डायरेक्टली राइट हो जाए।
ये कर लेने के बाद हमने यानी कि जब फीड वन पे मैसेज आ रहा है उसको हम डायरेक्टली 17 पे राइट कर देंगे, जो हमारा IR सेंसर दे रहा है उसको हम फीड टू के ऊपर भेज देंगे। अब आते हैं अपने डैशबोर्ड की सेटिंग पर, ये थोड़ा ट्रिकी होगा, आई विल ट्राई कि ये फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझसे भी हो जाए। तो मैं यहाँ सेटिंग में आता हूँ, एडिट लेआउट करता हूँ और इन दोनों को तो मैं डिलीट कर दूंगा, ब्लॉक्स को, ये दोनों ब्लॉक्स थे इनको तो मैं यहाँ कर देता हूँ डिलीट। और हम नए लेआउट पे आएंगे यानी कि नए ब्लॉक पे बनाएंगे क्रिएट न्यू ब्लॉक, और यहाँ से मैं एक टॉगल बटन लूँगा और इस टॉगल बटन को मैं क्या करूँगा कि जो मेरा मैसेज फीड वन पे भेजना है उसे मैं फीड वन पे मैसेज भेजूंगा इस बटन के थ्रू, और ब्लॉक टाइटल मैं कर दूंगा मेरी LED। LED करने के बाद मैं इसको क्रिएट ब्लॉक कर दूंगा, तो मेरे पास एक LED का बटन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। सिमिलरली मैं एक और क्रिएट ब्लॉक करूंगा और यहाँ से मैं क्या करूंगा, जो मेरा मैसेज आ रहा है IR सेंसर का उसकी रीडिंग्स को मैं यहाँ पे लेट से यहाँ इंडिकेटर के फॉर्म में ले लूँगा, इंडिकेटर फीड टू नेक्स्ट, जो मेरा ऑन और ऑफ का कलर है वो तमाम वैल्यूज को डिफॉल्ट रहने दूंगा। और मैं यहाँ कंडीशन कर दूंगा कि जब मेरी वैल्यू 1 हो, यानी कि जब मेरी वैल्यू वहाँ से 1 रिसीव हो तो इसको ग्रीन कर दे, अदरवाइज इसको रेड रहने दे। तो इसको कर देंगे हम क्रिएट ब्लॉक। तो दो ब्लॉक्स मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं बहुत सिंपली, एक LED का और एक स्टेटस इंडिकेटर। इसको एडिट लेआउट करते हैं, स्टेटस इंडिकेटर नहीं एडिट करता हूँ मैं, अगेन नेक्स्ट करता हूँ, चेंज कर सकते हैं यानी कि, और IR इंडिकेटर, तो जो मेरा IR है उसकी वैल्यू को ये इंडिकेट करेगा, सेव लेआउट। अब जब मैं कोड अपलोड करूँगा डेट्स इट, बस यही करना था। अब मेरे पास जो डेटा है वो रिसीव और सेंड होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, तो कोड अपलोड हो गया है और लेट्स सी के इफ़ इट वर्क्स और नॉट। तो पहले तो CL मॉनिटर खोलना होगा और यहाँ हम आ जाते हैं, एंड अभी तो यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा, इसको एक दफ़ा रीसेट कर लेते हैं। लेट्स सी के इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, और यस इट्स कनेक्टिंग, ओके। तो अब देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है और क्या मैसेज जा रहा है। तो यहाँ मैंने अपना डैशबोर्ड खोल लिया, मैं अपनी दोबारा से अपने स्क्रीन और कैमरे को दोबारा से एडजस्ट कर लेता हूँ। डैशबोर्ड के ऊपर आके अगर मैं LED को ऑन करता हूँ, लेट्स वेट फॉर 2 to 3 seconds कि क्या LED ऑन हो रही है, नहीं हो रही है। यस, आई फॉरगॉट टू डू वन थिंग, हमने आपको मैं दिखाता हूँ हमने क्या किया हुआ है यहाँ हैंडल क्लाइंट में, कि पिन नंबर 17 पे जो भी मैसेज आ रहा है उसको पिन नंबर 17 पे डायरेक्ट राइट कर दो, और मैसेज तो हमने डिफाइन ही नहीं किया क्या आ रहा है। तो मुझे यहाँ डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद एडिट लेआउट में आना होगा, सेटिंग में आना होगा, एडिट ब्लॉक, नेक्स्ट स्टेप, और ऑन वैल्यू को 1 और ऑफ वैल्यू को 0 कर देना होगा। अपडेट ब्लॉक कर देंगे, सेव लेआउट कर देंगे, एंड अब जब मैं यहाँ से ऑन करूँगा तो LED वहाँ फिजिकली ऑन हो जाएगी, एंड anyone अराउंड द वर्ल्ड कैन डू दिस, उसके पास ही डैशबोर्ड आ जाएगा। ये डैशबोर्ड आप किस तरह से शेयर कर सकते हैं, सेटिंग में आते हैं और यहाँ हमारे पास शेयर का बटन, पहले तो हम इसकी प्राइवेसी को हमने लगाया हुआ है तो प्राइवेसी को हम कंफर्म कर देते हैं कि खोल दी। अब शेयर लिंक्स है, शेयर लिंक पर आएंगे, ये दो तरह के लिंक्स हैं। एक लिंक ये है कि अगर मैं इसको इस तरीके से शेयर करूँगा तो ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा डैशबोर्ड, ओके। दूसरा लिंक हमारे पास फुल स्क्रीन का है, जो कि सबसे मज़ेदार चीज़ है, जो कि मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी। इसको जब मैं शेयर करूँगा तो मेरे पास ये डैशबोर्ड इस तरीके से आएगा। इसको मैं F11 भी कर देता हूँ क्रोम को। अब आप मेरी स्क्रीन को देखें तो पीछे आपके पास डैशबोर्ड इस तरह से आएगा, कहीं पर आपने एक बड़ी LCD स्क्रीन लगा दी, टच भी हो सकती है, और यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे तो फिजिकली मेरी वहाँ पे LED ऑन हो गई। जब मैं इसको ऑफ करूँगा तो फिजिकली मेरी वहाँ LED ऑफ हो गई, एंड anyone अराउंड द वर्ल्ड यूजिंग मोबाइल फ़ोन ब्राउजर और कंप्यूटर कैन डू दिस। तो दिस वॉज द लास्ट माइनर डिटेल कि आप किस तरीके से अपने ESP को ओवर द इंटरनेट ऑपरेट कर सकते हैं। लेट्स सी कि IR सेंसर भी काम कर रहा है नहीं कर रहा, मैं अगर इसके आगे हाथ रख देता हूँ तो क्या, यस ये रेड हो गया, आप देख सकते हैं रेड हो गया, यानी रेड मीन्स कि कोई आ गया है इसके आगे। और जब मैं इसके आगे हाथ हटाया था 3 सेकंड बाद ये अगेन ग्रीन हो गया, अगेन मैं हाथ रख देता हूँ तो ये रेड हो जाएगा, फिर ये हटाया था हम तो ग्रीन हो गया। स्किप दबाते हैं, सॉरी F11 दबाते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो ये जो लिंक था आपने इसको जस्ट सेंड कर देना है किसी को भी, वो उसको एक्सेस कर सकता है एंड ओवर द इंटरनेट आपके ESP का डेटा रिसीव कर सकता है। यू कैन ऐड 4 LEDs, यू कैन राइट स्ट्रीम्स, you can write strings, you can read the data over the string, and this was the whole tutorial, whole class about Adafruit IO. Hopefully you have enjoyed it, and I am planning more classes जिसमें हम ESP को operate करना सीखेंगे, इसमें हम I2C devices भी add करेंगे, इसमें हम SPI devices को भी add करेंगे, और वो भी हम सीखेंगे further classes में। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मजीद इस तरह की क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज़ शाफाद अहमद, आई विल सी यू सून, टिल देन अल्लाह हाफिज़।